गाजियाबाद में विक्रम जोशी हत्या मामले में विपक्षियों के निशाने पर आई यूपी की योगी सरकार ने परिवार को मदद देने का फैसला लिया है। मामले को लेकर शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना जताते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने का सीएम योगी ने निर्देश दिया। साथ ही परिवार की मदद करने हेतु मृतक परिवार की पत्नी को सरकारी नौकरी, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने विक्रम जोशी के परिवार से मुलाकात की और उनकी मांगों को पूरा करने का भी भरोसा दिया। कहा कि परिवार के लोगों से बातचीत हुई है, 10 लाख रुपए तत्काल देने की घोषणा की गई है। उनकी पत्नी को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी और परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज दिख रहे हैं। मामले में डीजीपी को तलब किया गया है। साथ ही आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार को भी मामले की सही तरह से तहकीकात करने के लिए कहा गया है। डीजीपी ने सरेआम पत्रकार की हत्या मामले को लेकर गाजियाबाद पुलिस की जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें, भांजी से छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से करने पर नाराज आरोपियों ने विक्रम जोशी को दो बेटियों के सामने उन्हें सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद उन्हें पास के ही यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान विक्रम जोशी की मौत हो गई थी। मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज राघवेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है।